ये दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल डॉलर के जो अनाउंसमेंट करता है रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे, कि जैसे वहाँ पे बोलता है योर कॉल हैज़ बिन रिकॉर्डेड, तो उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं गूगल डॉलर से बिल्कुल ईजीली तरीके से। दोस्तों, ये ट्रिक फिलहाल अभी आया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे वीडियो के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक MI का फ़ोन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल डॉलर यहाँ पे है हमारे पास। तो हमें इसमें से अभी रिमूव करना है वो वाला वॉइस जो आता है रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे। इससे क्या होता है कि सामने वाले को भी पता चल जाता है कि हमारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते तो हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रूफ करके कि इसमें अभी नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैंने वो ट्रिक अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से देखिए, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ से फ़ोन लगाता हूँ, फिर आप सुनिएगा। मैं यहाँ पे स्पीकर कर देता हूँ। कस्टमर का 10 अंकों का मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए 1 दबाएं और DSC से बात करने के लिए 2 दबाएं। देखिए, कोई भी अनाउंसमेंट आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये मेरे में वर्क कर रहा है, सब में वर्क करेगा जितना भी गूगल ड्राइव है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे इसे आपने वर्क कोई करना भी है। की नहीं दबा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको एक यहाँ पे ऐप सर्च करना है, TTSLEXX इस नाम का ऐप है। इसकी देखिए साइज़ 200 KB है, बहुत ही छोटी है। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है सिंपली। देखिए, तुरंत इंस्टॉल भी हो गया। इंस्टॉल होने के बाद फिर यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से फिर हम सर्च करेंगे एक ऑप्शन, टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आ गया टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट। फिर तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर इंजन जो है यहाँ पे गूगल का सेट किया है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम TTSLEXX वाला कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा सेलेक्ट हो गया। अब सिंपली ये करने के बाद एक और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अगर आप अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप लेना चाहें तो, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्टैक्ट का लोगो और कॉन्टैक्ट रहेगा वो सब डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सुपर बैकअप। तो इसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ से देखिए कॉल लोगों का जितना भी बैकअप है, बैकअप आप ले सकते हैं इजीली। मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, और यहाँ से कॉन्टैक्ट का भी बैकअप आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ। ये लेने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए हम इस पर प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे डायलर पे। उसके बाद यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन चले जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए स्टोरेज है, स्टोरेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा इसका स्टोरेज सब क्लियर करना है। तो यहाँ से हम क्लियर डाटा पे करेंगे, क्लियर आर डाटा पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। देखिए हमारा सब कुछ पूरा डाटा क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ से हम इसे हटा देंगे, सब कुछ काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद अब चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया ऐसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम 121 पे लगाएंगे, यहाँ से डायल कर देंगे। उसके बाद 2 दबाएं। अब देखिए यहाँ से हमें अगर रिकॉर्डिंग चालू करना है, चालू कर देंगे। यहाँ पे देखिए स्टार्ट, अब देखिए वहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा है। आपने कोई भी की नहीं दबाई है, तो कृपया दोस्तों, अगर ये सही वीडियो की आपको दबाएं। पसंद आया तो इस वीडियो को जो लाइक करें कस्टमर और का सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।